हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिशूज मैजिक। आज मैं आपको एक माउथ वाटरिंग रेसिपी बताऊंगी जो काफ़ी ट्रेंड में भी है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। इस रेसिपी का नाम है वेज मोमोज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मोमोज की रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए जानते हैं इस रेसिपी को। मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, एक छोटी बंद गोभी, इसे मैंने धो लिया है और अच्छे से काट लिया है बारीक, एक से डेढ़ गाजर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद के अनुसार, सोया सॉस, एक बारीक प्याज काट लिया है, एक हरी मिर्च बारीक काटा है और तीन से चार लहसुन को भी मैंने दरदरा काट लिया है और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए पहले हम मैदे को गूंथ कर रख लेते हैं और इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने मैदा में अब मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी, एक चम्मच जैसा, और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथना शुरू करेंगे। तो ये हमारा मिल चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि मैदा गीला ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा मैदा गूंथ चुका है, अब हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और एक प्लेट से ढककर इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं मोमोज के लिए। तो ये मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे, गरम होने पे हम लहसुन डालेंगे, इसे हम अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा हल्का लाल कर लेंगे। फिर हम इसमें बारीक कटी प्याज डालेंगे, इसे हमें हल्का भूनना है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, हमें ज्यादा प्याज को लाल नहीं करना है, हमें बस हल्का भून लेना है। ये देखिए हमारा प्याज हल्का भून चुका है, अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें जो हमने बारीक गाजर काट के रखा है वो डाल देंगे। आप गाजर को घिस के भी डाल सकते हैं, ये मैंने बारीक काटा है गाजर को, इसे भी हमें हल्का भूनना है। फिर हम इसमें बंद गोभी जो हमने बारीक काट के रखी थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। हमने जो ये स्टफिंग तैयार की है, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमें इसे हल्का सॉटे करना है, हमें इसे ढक के भी नहीं पकाना है, बस हमें इसे हल्का सॉटे करके निकाल लेना है। क्योंकि हम मोमोज स्टीम्ड मोमोज बना रहे हैं तो वो स्टीम में ही आधा पक जाएगा हमारा सब्जी। तो अब हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें बंद गोभी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें हल्का सॉटे करके निकाल लेना है। तो ये अब हमारा भून चुका है, हम इसमें अभी नमक और सोया सॉस नहीं डालेंगे। अगर हम अभी नमक डाल देंगे बंद गोभी पानी छोड़ देगा और ये काफ़ी मैसी हो जाएगा। तो इसे हमें गैस को बंद करके ठंडा कर लेना है स्टफिंग को, उसके बाद हम इसमें नमक और सोया सॉस डालेंगे ताकि बंद गोभी पानी ना छोड़े। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें नमक और सोया सॉस ऐड करेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें नमक और सोया सॉस ऐड करेंगे। तो ये मैं नमक ऐड कर देती हूँ आधी चम्मच और सोया सॉस एक चम्मच ऐड करूँगी। हमें सोया सॉस एक ही चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब ये मोमोज की स्टफिंग की तरह स्मेल करने लगा है, काफ़ी अच्छा ही खुशबू आ रही है इसकी स्टफिंग की। तो इसे हम अब एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब
अब हम चलते हैं, जो हमने आटा को गूंथ के रखा था, जो रेस्ट पे रखा था, उसकी तरफ चलते हैं और उसे बेलना शुरू करते हैं। तो ये हम आटे को देख लेते हैं। अब तो ये देखिए, इसे हम अब मोमोज बेलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम आटा हाथ में लगाकर छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से हमें गोल गोल हल्का चपटा कर लेना है हाथ से, फिर हम बेलना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम बेलते हैं। तो इस तरह से हम आटा लगाकर बेलना शुरू करेंगे। हमें मोमोज के लिए बिल्कुल पतला रोटी जैसा बेलना है। अगर हम मोटा बेलेंगे तो हमारा मोमोज बिल्कुल मोटा बनेगा और मैदा का जैसा लगेगा बिल्कुल, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें इसका जो नीचे का पूरी है वो बिल्कुल पतला बेलना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। देखिए, मैंने पतला बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। तो ये मैं स्टफिंग 2 चम्मच रखूंगी, 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग। हम यहाँ पे ज़्यादा भरेंगे, उससे मोमोज काफ़ी अच्छा लगता है स्टफिंग ज़्यादा भरने से। तो अब हम देखिए इसे इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए सब तरफ से उठाकर इस तरह से एक ही जगह प्लेट्स हम जमा कर लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से मोड़ कर हल्का ट्विस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी मोमोज भी बेल लेंगे। हमें नीचे का जो बेस रहेगा, जो पूरी है, वो पतला बेलना है, उससे मोमोज बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पर हम स्टफिंग रखेंगे। अब मैं यह स्टफिंग ज़्यादा भर रही हूँ, स्टफिंग ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसे हम देखिए प्लेट्स को एक ही जगह जमा करना है हमें, उठाकर सब तरफ से। देखिए, मैं एक ही जगह जमा कर रही हूँ। ये देखिए, सब तरफ से लाके एक ही जगह प्लेट्स को हमें जमा करना है। और जब बीच में आ जाए तो इसे हल्का सा ट्विस्ट कर देना है, मोड़ देना है। देखिए इस तरह से, और ये हमारा मोमोज तैयार हो गया। उसी तरह से हम सारे मोमोज अब बेल लेंगे। आप बस तरीका देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम लाकर इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे लास्ट में। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने प्लेट को एक ही जगह रखा है और सारे तरफ से मैं प्लेट उठाकर एक ही जगह रख रही हूँ। जो हमने मोमोज में प्लेट बनाने हैं वो हम एक ही जगह रखेंगे और बाकी सब तरफ से उठाकर एक ही जगह सेट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट मोमोज होने वाला है खत्म। तो देखिए, हमारा मोमोज अब बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोमोज अब तैयार हो गया है। अब हम इसे स्टीम करना शुरू करते हैं। स्टीम के लिए आप चाहें तो एक कढ़ाई ले सकते हैं इस तरह से, और उस पर एक स्टैंड रखकर और उसके ऊपर आप प्लेट रखेंगे और साइड में पानी डालकर आप इसके ऊपर मोमोज रख के भी स्टीम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इडली स्टैंड में भी आप स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से आप इडली स्टैंड लेंगे और उसमें तेल लगाकर आप हर खाने में एक एक मोमोज रखकर भी स्टीम कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो मैं आज इडली स्टैंड में ही स्टीम करूँगी मोमोज को। तो ये देखिए, मैंने इसमें सारे में तेल लगा लिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि मोमोज चिपके ना। तो ये मैं सब में अब रख दे रही हूँ मोमोज को। तो इस तरह से अब मैं रख दूंगी। तो चलिए अब स्टीम करते हैं। तो ये मैंने इडली स्टैंड में पानी को चढ़ा के रखा था
पानी भी अब बॉयल हो चुका है, तो ये मैं इडली स्टैंड को सबसे नीचे रखूंगी। और मैंने बीच वाला इडली स्टैंड इस्तेमाल नहीं किया है ताकि हमारा मोमोज दबे ना, तो ये मैं सबसे ऊपर वाला इडली स्टैंड, तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो इसे अब मैं ढक देती हूँ और 15 मिनट बाद देखती हूँ। तो 15 मिनट अब हो चुका है, तो ये देखिए कितना अच्छा फूल भी चुका है और इसकी जो पूरी है बिल्कुल पतली थी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और गैस को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो हम प्लेट में सर्व करते हैं मोमोज को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोमोज बनकर तैयार है। ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी लग रहा है। इसे मैंने शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चूँकि हमने इसकी पूरियाँ बिल्कुल पतली बेली थी तो ये काफ़ी अच्छा और शाइनी लग रहा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।